Sri Ashok Siddharth. Good. Thanks. Sriman, मैं अपनी पार्टी की लीडर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2070 पे बोलने का मौका दिया। मानवर, शिक्षा मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा मनुष्य को मान और अपमान का एहसास कराती है। शिक्षा मनुष्य को आत्मसम्मानी निर्भीक बनाती है। शिक्षा मनुष्य को अंधविश्वास की अंधेरी सुरंग में जाने से रोकती है। इसलिए मानवर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, क्योंकि इस बिल के माध्यम से जो बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने इस देश में जो प्राचीन काल से चली आ रही सामाजिक और शैक्षणिक गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए जो संघर्ष किया था, उनमें मुख्य रूप से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जैसा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का मानना था, महात्मा फुले फर्मली बिलीव दैट ओनली द एक्ट ऑफ एजुकेशन वुड कट डाउन द ट्रीज ऑफ इग्नोरेंस एंड एक्सप्लाइटेशन। महात्मा ज्योतिबा फुले पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश में सामाजिक और शैक्षणिक गैर बराबरी के लिए संघर्ष किया, और उन्होंने इस देश में सबसे पहले इस देश में स्त्रियों की शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए 1848 में पहली बार स्त्रियों के लिए स्कूल खोलने का काम किया। वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अपने प्रयास से स्त्रियों के लिए शिक्षा के स्कूल खोलने का काम किया। इतना ही नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1851 में जिस समाज के लोगों को शिक्षा के स्कूल के दरवाजे खुले नहीं होते थे, स्कूल के दरवाजे तक पहुंच नहीं सकते थे, उन लोगों को के लिए भी 1891 में स्कूल खोलने का काम किया। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब 1882 में हंटर कमीशन भारत आया शिक्षा के क्षेत्र में, तो उन्होंने हंटर कमीशन के सामने मांग रखने का काम किया, डिमांड की कि जो आज द राइट ऑफ चिल्ड्रेंस कंपलसरी एजुकेशन जो आरटीए का बिल है, इसको आज से 125 साल पहले साहू जी महाराज ने हंटर कमीशन के सामने ये बात मांग रखी थी कि देश में 12 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। ये साथियों, आज मानवर, आज हम 125 साल के बाद आज फिर से हम इस 70 साल की आज़ादी के बाद हम आज बच्चों को शिक्षा के लिए हम कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं, जबकि हम सब लोग और पूरा सदन इस बात से अवगत है कि आज भी इस देश में लाखों स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक बच्चे से स्कूल चल रहा है, एक टीचर से स्कूल चल रहा है। आज भी लाखों स्कूल ऐसे हैं जहां पर 50-60 क्लास के बच्चों के स्कूल में एक टीचर है। आज भी टीचर कहीं पल्स पोलियो की ड्यूटी में लगता है, तो कहीं मतदाता पुनरीक्षण की ड्यूटी में लगता है, तो कहीं अन्य कामों में उसको लगा दिया जाता है, या स्वास्थ्य विभाग की अन्य योजनाओं में उसको काम पे लगा दिया जाता है। जबकि महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर के छत्रपति साहू जी महाराज ने, आज हम जो कंपलसरी एजुकेशन का बिल यहाँ पर अमेंड करने के लिए लाए हैं, जो 2010 में, यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज ने 1917 में राइट टू कंपलसरी एजुकेशन का बिल अपनी रियासत कोल्हापुर में पास किया था, उसके 100 साल के बाद हम भारत में वो बिल ला पाए। हमें इस बात पे ये विचार करना पड़ेगा कि हम केवल इस तरह के बिल लाएंगे या उन बिल को लाने के बाद उनको हकीकत में तब्दील भी करेंगे। इस बिल के उद्देश्य से ये जरूर लगता है मानवर कि इक्वलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी और गारंटी पर जोर दिया गया है, लेकिन केवल जोर देकर के ऐसे हकीकत में तब्दील होगा कि नहीं होगा, हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा। इसमें शंका है साथियों, मानव शंका इस बात की है कि आज तक उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें, बहुजन समाज पार्टी की लीडर परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के समय में, चाहे उनकी 4.5 महीने की सरकार रही हो, 6 महीने की रही हो, 15 महीने या पूरे 5 साल की रही हो, उन्होंने हमेशा
प्राथमिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर बल देने का काम किया, उस पर काम किया। प्राथमिक शिक्षा पे बल देने के लिए, प्राथमिक शिक्षा में गुणोत्तर विकास हो, उसके लिए उन्होंने 88,000 BTC प्रतिशत शिक्षकों की भर्ती की थी, ट्रेंड स्टाफ की भर्ती करने का काम किया था। गरीब बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिले, उनके लिए उन्होंने अपने शासनकाल में सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अंतर्गत हाई स्कूल पास बेटी को 25,000 एक साइकिल के माध्यम से प्रोत्साहित करने का काम किया था। मानवर, मैं इस बिल का समर्थन इस बात को कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो आज प्राइमरी स्कूल से लेकर के और इंटरमीडिएट तक के स्कूल हैं, जो इस देश के तमाम औद्योगिक घरानों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनमें SC ST OBC के बच्चों को या गरीब बच्चों को, चाहे वो जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी क्या अलग से रिजर्वेशन देने का कोई प्राविधान इस बिल के माध्यम से आगे किया जाएगा? और नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा? मानवर, मैं माननीय मंत्री जी से इस बात के साथ, इस विश्वास के साथ कि शिक्षा सेवा का ही माध्यम रहे, ये व्यापार ना बने, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर सिद्धार्थ। डॉक्टर